खोल लिया मार्केट और बहुत ज्यादा भीड़ है, राखी है। अब ऑर्डर ले दिया है हम लोगों ने और अभी तो मैंने बनवा लिया है। Hey guys, how are you? I am good and fine. Welcome back to my channel. और आज आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। तो वो सरप्राइज़ क्या है वो रात को आपको मालूम पड़ जाएगा और मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन सरप्राइज़ भी है मेरे लिए, खुश भी हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम है एंड आप लोगों के लिए तो पूरा ही सरप्राइज़ है। तो आप भी बहुत खुश होने वाले हैं। जिस सरप्राइज़ के बारे में मैंने बोला था वो थोड़ा टाइम है आने में, और शाम हो गई है, मैंने चाय तो बना के पी ली है एंड मैं तारी बना रही हूँ अभी उन लोगों के लिए जो आ रहे हैं। तैयारी मैंने कर ली है दाल बनाने की, सोयाबीन की बड़ी भिगो दी थी, यहाँ पर चावल भीगे हुए हैं, आलू भी नहीं काटे हैं, मसाला पीस लिया है एंड बस अब बना रही हूँ, थोड़ी देर में बन जाएगी। तो मैंने करेले के जो बीज होते हैं ना वो डाले थे, तो ये इतनी बड़ी बेल हो गई है और यहाँ पर करेले भी आ गए इसके अंदर, ये देखें आप। और ये रहा एक, यहाँ पर इतने बड़े बड़े करेले आ गए हैं इस बेल के अंदर, और भी बहुत सारे होंगे शायद अंदर की साइड में होंगे। मैंने बना ली है एंड रेडी होने में इसको 10-15 मिनट लगेंगे जी। मेरा और आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और बस 10 मिनट में आने वाले हैं। तहारी मैंने बना ली है, आधा घंटा हो गया है बने हुए तहारी, तो और बस 10 मिनट में आने वाले हैं और बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम है मुझे, ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है कि कौन आ रहा है, बट हाँ आ रहे हैं ये मालूम है। तो बस अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। ख़त्म हो गया और आ गए, गाड़ी वो खड़ी हो रही गाड़ी, तो ये आ गए सब, ये आ गया मेरा गोला जिसका मुझे इंतज़ार था, ये ना मेरा बेटा, यहाँ पर डुग्गू आया है और बाहर है। आ गया मेरा गोला, टोना नहीं आया, टोना आने का था पर आया नहीं, और मुझे तो ये भी मालूम था कि हाँ टोना आ रहा है, रूबी आ रही है, लेकिन टोना नहीं आया और मेरा गोला, ये गोला आ गया, मेरे बीते आ गया चोना पाला। अरे वाओ, मेरी लाडो भी आ गई, इधर देख लाडो। और ये गेस्ट आए हैं जो जयपुर से आए हैं, और ये वसीम, और इनको शायद मेरी वीडियो में अगर देखा होगा तो पता नहीं, ये भी आए हैं देखा होगा शायद मेरी वीडियो में, नहीं हाँ आज फिर देख लेंगे। मेरा गोला आ गया और ये इनकी वाइफ है। दस्तरखान मैंने लगा दिया है और पनीर की सब्जी बनाई थी जो मैंने दिखाई नहीं थी, ताड़ी बन गई थी और सब बैठे हैं और माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा लग रहा है सबको। बताओ भाई, उंगली चाट रहा वसीम तो। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और नाश्ता वगैरह सब करा दिया है, ये देखें यहाँ पर वसीम तैयार है और जो गेस्ट आए थे वो भी तैयार है बिल्कुल। तो मैं मार्केट लेकर जा रही हूँ इन सबको, और मार्केट के ब्लॉग मैंने बनाए हैं, लेकिन अभी जो शॉपिंग करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो जी गाड़ी में निकल गए हम लोग और ड्राइव आज मैं कर रही हूँ, वसीम साइड में बैठा हुआ है और सब लोग पीछे बैठे हुए हैं, और जा रहे हैं हम लोग मार्केट और उसके बाद में घूमने के लिए जाएंगे, तो वो मार्केट से आने के बाद आपको पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। एंड ये वाली गाड़ी आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा हाथ लगी हुई है मेरे, और हमेशा से तो मैं होंडा सिटी चलाती हूँ यहाँ जब होती हूँ, लेकिन जब वहाँ पर होती हूँ तो स्विफ्ट आ जाती है मेरे हाथ में, और ये वसीम की गाड़ी है। बस गए हम लोग घंटाघर और ये है घंटाघर, और ये है यहाँ के जोधपुर के फेमस घी, जो की अभी आए हैं गेस्ट, तो जब भी गेस्ट आते हैं यहीं से घी लेते हैं, तो आज भी लेने के लिए आए हम लोग, और मार्केट में गए हम लोग घी लेकर और कुछ सामान भी लिया है, नमकीन वगैरह भी लिए, तो वो डाल दी, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज घंटा घर में, और लेकर आ गए बस गए हम लोग बांधनी के सूट लेने के लिए, और बांधनी की एक ही शॉप है हमारी जो हम आते हैं हमेशा, ये शॉप पे आते हैं हम यहाँ बांधनी के सूट लेने के लिए रानी को, और इनको सूट लेने हैं बांधनी के, बाहर बैठ गए इनके हस्बैंड, ग्रीन हो गया कॉटन कॉटन कॉटन। हमें बहुत प्यारा लगता है,
यहाँ फ़ोन पे डिस्कस चल रही है, ये अपनी बेटियों को दिखा रही है कौन सा लेना है, कौन से कलर के सूट लेना है, तो वीडियो कॉल पे बात चल रही है और ड्रेस के कलर देख रहे हैं। रानी के सूट हमने ले लिए हैं, ये रानी के हैं सारे सूट, और दिखाओ आपने, और ये इन्होंने लिए अपनी बेटियों के लिए, वीडियो कॉल पे बात करी थी एंड अब आए हैं हम और कुछ लेने के लिए। पर है अंदर की साइड में अच्छा मार्केट बना हुआ है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट वैरायटी अच्छी है यहाँ पर। बच्चों के लिए कुछ लेना है, बच्चे ड्रेस लेने के लिए आए हैं, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए कल के लिए, तभी ले रहे हैं लाडो के लिए ड्रेस, देखते हैं कौन सा पसंद आता है। त्रिपोलिया मार्केट और बहुत ज़्यादा भीड़ है, राखी है, दो दिन तीन दिन बाद राखी है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, एंड शॉपिंग हमारी हो गई है और बाद में के सूट लिए हैं लाडो के लिए, सूट लिए हैं वो मैं आपको घर जाके दिखाई दूंगी, बस अब जा रहे हैं घर। मैं अपनी शॉप पे गोगल्स वगैरह और भी सामान लेना है तो बस यहाँ पर आए हैं। गोला मेरे पास है, गोला मेरे पास है, गोला बम्माच छोटे से गोला, छोटे से गोला। आज ट्रैफिक बहुत है और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एंड शॉपिंग तो हमारी हो गई है, बहुत सारी शॉपिंग कर ली है हम लोगों ने, मार्केट में जब निकलते हैं तो शॉपिंग तो बहुत सारी हो ही जाती है। दो जेंट्स थे हमारे साथ में, वो परेशान हो गए, एक तो उनके हस्बैंड है और एक वसीम है, लेकिन शॉपिंग हमने पूरी की है एंड अभी जा रहे हैं हम घर और उसके बाद हम जाएंगे सर्किल। चलिए हम लोग घर और शॉपिंग वगैरह जो भी की आपको दिखा दूंगी। बांधनी के सूट लिए थे हम लोगों ने, थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं और एक मैंने भी लिया है, और यहाँ पे बांधनी बहुत फेमस है, तो जब भी कोई आता है मैं बांधनी के सूट दिलाती हूँ उन लोगों को, मतलब उनको चाहिए भी होते हैं, और खाने की चीज़ें भी बहुत फेमस है जोधपुर की, तो बांधनी के जो भी ड्रेसेस वगैरह लिए हैं हम लोगों ने तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। एंड मैं एक बात और बता दूं आपको कि कल जो है बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है आप लोगों के लिए, और कुछ फंक्शन है जो कि हम कर रहे हैं, गेस्ट आए हैं तो बस अब कर रहे हैं वो वाला फंक्शन, और मैं ये भी बता दूं कि कोई और भी है जो आने वाला है यहाँ पर, जो कि मुझे आपको मालूम ही है कि मेरे दिल के करीब कुछ लोग हैं, उनमें से जो जितने थे वो तो आ गए लेकिन और भी आने वाले हैं, एंड कल बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और उसका व्लॉग अलग से आएगा। बैठे हैं अंकल और ये रही आंटी, इनकी वाइफ है, और ये वसीम के बहुत अच्छे ख़ास दोस्त हैं, तो जोधपुर आए हैं, ये तो आ चुके हैं काफ़ी टाइम पर, यहाँ पर मेरे पास तो पहली बार ही आए हैं और ये भी फर्स्ट टाइम ही आई है। हम लोग आ गए हैं सर्किल, थोड़ा सा लेट हो गया सर्किल आने में बिकॉज घर में थोड़ा सा काम हो गया था, एंड खाना वगैरह खाना वाना खा रहे थे तो थोड़ा लेट हो गया, इतना भी लेट नहीं हुआ, एंड फाउंटेन अभी चल नहीं रहे हैं, मैंने बोला था यहाँ पर काम चल रहा है तो अभी चल ही रहा है फाउंटेन का, लेकिन गार्डन बहुत अच्छा हो गया है यहाँ का, और मैं दिखाती हूँ आपको, नए झूले लग गए हैं बहुत सारे और काफ़ी अच्छा हो गया है गार्डन, झूले में दिखाती हूँ, झूले में दिखाती हूँ आपको, बच्चे सारे झूले में चढ़ गए और बस इनको तो झूले चाहिए होते हैं या फिर स्विमिंग पूल हो तो वहाँ पर, और ये रे झूले, स्लाइड वगैरह भी ये नई बने हैं अभी, और पहले पुरानी थी टूटी हुई थी तो वो सारी हटा दी है, एंड यहाँ पर सारे झूले स्लाइड वगैरह सारी ही नई लगा दी है, ये देखिए और हाजमा खड़ा है, ये रारशान, ये डुगो, और वो है स्लाइड सारी, काफी खूबसूरत हो गया है गार्डन भी, बहुत अच्छा हो गया है, स्पेस बहुत है सर्कल में, गार्डन है, बैठ भी सकते हैं यहाँ पर, और एंड आप वॉक वगैरह भी कर सकते हैं, तो राउंड है पूरा, ये बीच में ही बना हुआ है, अगर यहाँ से हो तो जानते ही होंगे आप, लेकिन अगर बाहर से हो और घूमने के लिए आते हो तो बहुत अच्छी जगह है सर्कल, एंड फास्ट फूड के सारे काउंटर उधर की साइड में लगे हुए हैं जो मैं दिखा दूंगी आपको, एंड मैंने व्लॉग बनाए भी हैं आंटी पिज़्ज़ा वगैरह जो भी हैं, तो उधर की साइड में आप इंजॉय कर सकते हैं, एंड ये गार्डन है और बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे यहाँ पर जब आते हैं, बिकॉज यहाँ पर सभी कुछ है बच्चों के लिए। हस्बैंड वाइफ देखो यहाँ पर मज़े ले रहे हैं, बैठे हैं कुर्सी पर, आप ही झूलो, झूलो आराम से,
लड्डा झूल रहे हैं बच्चे, तैमूर बैठा है झूले में, लाडो लाडो स्लाइड ले रही है। हेलो आ जाओ स्लाइड पे, आ जाओ स्लाइड पे उधर वाले। हाथ हाथ पकड़ो। अरे हाथ हाथ आ गए हम। आंटी पिज्जा यहाँ पर है और पीछे की साइड में स्टोर्स वगैरह है सारी, यहाँ पर उधर की साइड में सर्कल है। इसलिए मैंने अपना फेवरेट हूफल यहाँ पर, सब जल्दी बैठ गए हैं, इंजॉय करेंगे। अब ऑर्डर दे दिया है हम लोगों ने और अभी तो मैंने बनवा लिया है। कैसा लग रहा है लो? तो जी खाना पीना सारा हमारा हो गया है और अब जा रहे हैं हम लोग घर। सब बैठे हैं पीछे, लाइट पीछे फॉक्स पड़ रहा है।